बड़े पर्दे पर सिंघम है, छोटे पर्दे पर सीआईडी है। और हाँ, ये एक दया भी हमारी फिल्म में है, तो केस सॉल्व करने के अलावा मैं यहाँ आता हूँ और दया को ले जाता हूँ कि कल से मैं मुझे ज्वाइन कर लो, एंड दैट्स हाउ यू सी हिम सिंगल आल्सो। यार एक ही दरवाज़ा तोड़ा है, यहाँ कितनी बार तोड़ा है, यहाँ पर तो बिना नहीं, वहाँ पर एक ही तोड़ा है। अच्छा, आप कभी टीवी पे मतलब धारावाहिक में कभी काम करेंगे? अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तो जरूर। जैसे हमने अनिल को देखा, बच्चन साहब ने किया, जैसे मैंने कहा कि कुछ अगर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तो व्हाई नॉट। कुछ किस तरह का होगा, जो सास बहू टाइप होता है? यार हम स्क्रिप्ट तो नहीं लिख सकते यार, नहीं जब आप कॉन्सेप्ट सुनते हैं आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, कितना अच्छा होगा, इट डिपेंड्स ऑन दैट। आप में और इनमें कितनी सिमिलरिटी है? किन में? टीवी शो में भी ये भी कॉप्स का रोल कर रहे हैं और आप भी कॉप्स का, आप भी इसमें भी ये इन्वेस्टिगेशन दिखा रहे हैं और काफ़ी रियल इन्वेस्टिगेशन दिखाते हैं। हमारी फिल्म में भी इन्वेस्टिगेशन है और उसके अलावा जो टेलीविजन में गाने नहीं होते वहाँ गाने हैं, वहाँ ड्रामा अलग है या ड्रामा अलग है। ये लोग भी कम स्माइल करते हैं और आप भी कम स्माइल करते हैं। सब पुलिस वाले ना इसके, बट जरूरत होनी चाहिए स्माइल करने की ना। अब आपको देख के मैं स्माइल कर रहा हूँ, देखिए। आपने इनका शो देखा है? जी काफ़ी बार। कैसा? एसीपीजी से कितने सालों से चलता आ रहा है? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स, आई थिंक दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। आई थिंक मैक्सिमम होगा, कोई नहीं चला। अनुभव तो बहुत ही अच्छा था सिंघम में, नहीं वो शैडो का थोड़ा प्रॉब्लम। अनुभव बहुत अच्छा है सिंघम में, सिंघम फर्स्ट भी देखा था और अजय जी के वैसे हम सब फैंस हैं और जो इंटेंस रोल में जो करते हैं हम वाकई में इनके कायल हैं, तो इसके बारे में बोलना बहुत छोटी बात है, सब जानते हैं। और रोहित सर और अजय के साथ सीखने को मिलता है काफ़ी और वही हम कर रहे हैं, आगे भी देखते हैं कुछ। अभिजीत, आप देखेंगे फिर? मैं देखी होंगी अजय की आप? हाँ बिल्कुल, हम भी बहुत बड़े फ़ैन हैं अजय सर के, और ये एक ट्रीट है सीआईडी के लिए, जो स्टार आते हैं इंटीग्रिटी जो एपिसोड्स होते हैं उसमें ये एक बोनस होता है हमारी ऑडियंस को एक स्टार के साथ, स्पेशली एक फिल्म सिंघम के साथ, क्योंकि वो और सीआईडी दोनों एक साथ, यू नो, एक जैसी एक मिलता जुलता है, पुलिस के पुलिस पे सीआईडी है। तो आपकी फिल्म को मतलब महाराष्ट्र पुलिस और सब जगह सराहा गया था, कुछ ऐसा सोचा कि सिंघम 2 के लिए कोई खास स्क्रीनिंग रखी जाएगी? जी, काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं हम लोग, एवरीथिंग इज प्लान्ड। अजय हनी सिंह तो गाना हुआ है, आप भी इनके जाने से बच नहीं पाए, आता हमारी सटक इज अ क्वाइट एज। आई थिंक, या, इट्स अ, तो आई थिंक उन्होंने गाना बहुत अच्छा बनाया और आता माजी सेटअप थी तो बहुत अच्छा गाना बनाया। अभी आप फिल्मों में आने का सोच रहे हैं? ऑन एंड ऑफ मैं करता रहता हूँ, मौका मिलता है तो करता हूँ। अगली बार इनको भी दे दीजिए जरूर। तो एक एक करके सीआईडी से, एक एक करके हम सब सबको यहाँ से ले जाएंगे। सिंघम के लिए काफ़ी मतलब जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर आप कुछ नज़र है आपकी, मतलब जैसे आजकल कहा जाता है कि फिल्म इतना कर ले तो सबको संतुष्टि होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जीबिटर्स वगैरह? ऐसा कोई नंबर पूछे तो नंबर नहीं पता, बट फिल्म अब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। वन लोगों को पसंद आए, रिटर्न्स और ज़्यादा पसंद आए, बस इतना ही चाहते हैं। अगर अपने फिल्म्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखता हूँ क्योंकि वक्त नहीं मिलता, तो इट बी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर दैट। जी जी, नॉट ऑलवेज बट व्हेनेवर आई गेट अ चांस। सिंघम में तो नहीं है तो इस वक्त, सीआईडी में भी नहीं है तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। फिल्मों में आजकल एग्रेसिव प्रमोशंस जरूरी हो गया फिल्में जैसे करते हैं, जैसे आप लोग बड़े एक्टर्स हैं? आई थिंक ज़रूरी से ज़्यादा मजबूरी कहेंगे, बिकॉज पहले गिन चुन के कुछ चैनल हुआ करते थे, कुछ न्यूज़पेपर हुआ करते थे, अब वो बढ़ते जा रहे हैं और अगर आप एक के साथ करते तो आपको सभी के साथ इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं, सभी के साथ सभी के साथ करना पड़ता है, तो आई थिंक उससे बढ़ता जा रहा है।
खुश हैं जी? खुश हैं, थक जाते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।